तो ये है सेवरलेट की बीट और तिवारी कार टेक्नोलॉजी। इस चैनल को भाई साहब आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़रूरी होता है। और आज इसकी टाइमिंग के बारे में जानेंगे कि इसकी टाइमिंग प्रॉपर होनी कहाँ चाहिए। तो ये सबसे पहले केम की टाइमिंग को ही जानेंगे, दोनों केम के। ये काटर जो आप देख रहे हैं ना, ये काटर इसमें और इसमें, ये दोनों काटर है। काटर पिन को ऊपर रखना है हेड के तरफ में, ये है टैप हेड, ठीक है। तो इसको काटर पिन को ऊपर रख लेना है और ये जो पॉइंट है ना, ये दोनों पॉइंट ऊपर ही आएंगे यहाँ करके। फिर क्रैंक की टाइमिंग यहाँ से देखो, ये देख रहे हो ना क्रैंक की टाइमिंग, इस एरो वाले मार्का पे इस टाइमिंग को सेट कर लेंगे। अभी चैन का प्रोसेस यहाँ से करेंगे कि देख रहे हो ना पॉइंट क्रैंक का, क्रैंक का पॉइंट के सामने डिस्कलर रखना होगा ऐसे, ठीक है। एक क्रैंक की टाइमिंग के सामने डिस्कलर रख लिया और इधर से चैन टाइट करके इंटेक केम के ऊपर, जो इंटेक केम है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। उसके बाद से एग्जोस्ट का जो केम है, एग्जोस्ट केम का ये जो पॉइंट है, इसको डिस्कलर से मिला देंगे और इधर से ले आकर फिर एडजस्टर लगा देंगे। ये तो प्रोसेस हो गया, लेकिन यहाँ समझने वाली थोड़ी सी बात यह है, इस पॉइंट का ज़्यादा मैटर है, बाकी कितने मैकेनिक थोड़े से जो ना डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये एरो पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एरो पे नहीं लगाना है, एरो को आउटसाइड में रखना है, इस वाले एरो को आउटसाइड में रखना। हमें सिर्फ ध्यान देना होगा कि काटर पिन को ऊपर रख के, ये काटर पिन के जो सामने पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें टाइमिंग सेट करना है, ठीक है। मदर डेयरी की बैक साइड में, तो ये पूरा टाइमिंग का प्रोसेस है। फिर उसके बाद से ये अपना एडजस्टर का जो गाइड है वो, और एक और गाइड है चैन गाइड, वो लगा के और फिर इसे पूरी असेंबल कर देंगे। तो ये हो गया टाइमिंग। अभी हमने इंजन को लेटा रखा है ऐसे में, तो ये देख लो, और फिर कंप्लीट करने वाले हैं जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। और भैया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तिवारी कार टेक्नोलॉजी को, तो नीचे जो है ना सब्सक्राइब का रेड बटन है, उसको दबा के आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बाकी लेटेस्ट वीडियो आपको मिला करेंगे, वोल्सवैगन स्कोडा ऑडी ये सब का जानकारी दिया करेगा, टाइमिंग से रिलेटेड बहुत ज़रूरी होती है ये सब जानकारी। और ये अब टाइमिंग कवर इसका लगा के कम्प्लीटली इसको ओके कर देंगे, उसके बाद से इसका ये चैम्बर चुम्बर लगा के सब रेडी कर देंगे। तो यही होता है टाइमिंग का प्रोसेस, जो कि मैंने आपको तरीके से दिखा दी, ठीक है। क्रेन का ये जो काटर का जो पिन है ना, काटर पिन, इसका मतलब होता है कि आपका फर्स्ट जो पिस्टन है वो टॉप पे होना होगा। तैसे टॉप का ये मार्का है जिससे कि पिस्टन टॉप पे हो, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये पिस्टन टॉप पे कर लिया, बाकी प्रोसेस है टाइमिंग का आप लोगों ने देख ही लिया। तो यही होता है टाइमिंग प्रोसेस।